हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन डिजिटल टच। मेरा नाम है देवाशीष और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ हिडन शॉर्टकट्स दिखाने वाला हूं MIUI 9.5 में। तो अगर आपके पास किसी भी Xiaomi का फ़ोन है और अगर आपने अपने फ़ोन को MIUI 9.5 में अपडेट कर लिया है तो ये सभी शॉर्टकट्स आप अपने फ़ोन में अप्लाई कर सकते हैं। और गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइज, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ट्रेडिशनल मेथड, यानी कि इतने दिन से आप जिस मेथड को फॉलो करते आए हैं उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा उसका शॉर्टकट मेथड। सो गाइस, जो सबसे पहला शॉर्टकट मेथड है वो है MIUI की ब्राउजर में। तो अगर आप लोग MIUI की ब्राउजर में आएंगे उसके बाद मान लीजिए अगर आपका 4 से 5 टैब ओपन किया हुआ रहेगा और एक टैब आप क्लोज करना चाहते हैं तो आप किस तरह से कर सकते हैं, तो इसे आप लोगों को सबसे पहले इस तरह से प्रेस करना होगा। उसके बाद आप इस यहाँ से आप लोग क्रॉस कर करके आप एक एक टैब को क्लोज कर पाएंगे। तो ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड। अब इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, तो सबसे पहले मैं कुछ यहाँ पे टैब्स जो है ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 4 टैब्स जो है ऐड कर लिया। और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप किस तरह से क्लोज कर सकते हैं। तो जो ट्रेडिशनल मेथड यानी कि आप इतने दिन से जो मेथड फॉलो करते आए हैं उसमें आप लोगों को बहुत सारा टाइम भी वेस्ट होता था, यानी कि आप लोगों को 2 बार इस तरह से एक बार प्रेस करना पड़ता था, फिर आप लोगों को यहाँ पे फिर क्रॉस करना होता था। तो ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड। अब इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, अगर आप किसी पेज को क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो आपका पेज जो नंबर ओपन हुआ रहेगा यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 4, तो इसे आप थोड़ी देर तक प्रेस करके रहेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिलीट का एक आइकन आ चुका है, तो इसे आप जिस तरह से इसे आप लोग सिंपल से उठा सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये हो गया शॉर्टकट मेथड। तो इस तरह से आप अपने पेज को जो है क्लोज कर सकते हैं इस तरह से। सो गाइस, जो नेक्स्ट शॉर्टकट है वो है नोट्स में। तो अगर आप लोग MIUI की नोट्स वगैरह लिखते हैं और अगर आप लोग डिलीट करते हैं तो आप लोगों को इस तरह से डिलीट करना होता है इस तरह से। और अगर आप लोग मान लीजिए किसी नोट्स को ओपन किए हुए रहते हैं और उसे आप लोग डिलीट करना होता है तो आप इस यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका ट्रेडिशनल मेथड। अब इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, तो आपको इस तरह से अपने 2 उंगली को इस तरह से स्वाइप करना है और आप देख पाएंगे यहाँ पे क्विक डिलीट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे डोंट शो अगेन आप अगर आप लोग कर देंगे उसके बाद यहाँ पे डिलीट कर देंगे तो आपका जो नेक्स्ट जो अगर आप लोग नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी नोट को डिलीट कर देंगे आप सिंपल से इस तरह से करने से ही आपका जो नोट है वो डिलीट हो जाएगा। आपको किसी भी डिलीट बटन पर पहले टच करना नहीं पड़ेगा, फिर आपको डिलीट करना नहीं पड़ेगा, आप सिंपल सा इस तरह से डिलीट कर सकते हैं अपने नोट्स को। सो गाइस, जो नेक्स्ट शॉर्टकट मेथड है वो है MIUI की म्यूजिक ऐप में। तो अगर आप लोग MIUI की म्यूजिक ऐप ओपन करेंगे और अगर आप लोगों को मान लीजिए कोई सॉन्ग्स को नेक्स्ट करना है तो आप लोगों को सॉन्ग्स के पहले आप लोगों को इस तरह से सॉन्ग्स को ओपन करना होगा, उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट कर सकते हैं या फिर फेवरेट कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे बैक कर सकते हैं। तो ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड। अब इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं म्यूजिक प्लेयर ओपन करते ही मान लीजिए अगर कोई भी सॉन्ग प्ले हो रहा है तो मैं एक सॉन्ग को प्ले करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो सॉन्ग है वो प्ले हो रहा है, अभी मैं यहाँ से बैक हो गया। अभी अगर मुझे मान लीजिए इस सॉन्ग को पॉज करना है या फिर मुझे फेवरेट में करना है तो मुझे इस सॉन्ग के अंदर जाना है, फिर यहाँ से मैं सॉन्ग को पॉज करता हूँ उसके बाद या फिर फेवरेट कर सकता हूँ। और उसके बाद अगर मान लीजिए मुझे इसका नेक्स्ट सॉन्ग करना है तो यहाँ से मैं नेक्स्ट कर सकता हूँ। तो ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड। तो अब इसका शॉर्टकट क्या है, तो बाहर से ही आप इसे कर सकते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले प्ले करके चला देता हूँ इस सॉन्ग को और उसके बाद आप यहाँ पे आप कुछ देर तक अपनी उंगली को प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले आपकी जो यहाँ पे एक फेवरेट का आइकन आ चुका है। तो यहाँ पे जैसे आप लोग टैप कर देंगे अब यहाँ पे फेवरेट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे इस सॉन्ग को पॉज कर सकते हैं, उसके बाद इसी तरह से प्ले भी कर सकते हैं इस सॉन्ग को। और उसके अलावा आप यहाँ पे अगर आप लोग नेक्स्ट सॉन्ग करना चाहते हैं तो इस तरह से आप कर सकते हैं। सो गाइस, आशा करता हूँ सभी को ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करना। और इन तीनों में से आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा ट्रिक आया आप नीचे मुझे कमेंट्स पर प्लीज़ बताइए। और इसके रिगार्डिंग अगर आप लोग के मन में और भी कुछ सवाल वगैरह है तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आप लोगों को जरूर दूंगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने इंडियन डिजिटल टच को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप लोग इंडियन डिजिटल टच को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।